हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टोटल हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसी तरीके से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती हैं। तो कौन कौन सी हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़? पहली ड्यूटी है रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ये हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी अपने संविधान या अपने झंडे और अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करें, उसका आदर करें। टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज़ ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल के जो नोबल आइडियाज़ हैं उनको हम फॉलो करें, चेरिश करें, यानी स्वतंत्रता के लिए जो भी स्ट्रगल किया गया, जो भी संघर्ष किए गए, उनको हम फॉलो करें। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हम इंडिया की सॉवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करें। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, कंट्री को डिफेंड करना है और कंट्री की रक्षा भी करनी है। जब ज़रूरत पड़े तो हमें नेशनल सर्विस के लिए तैयार रहना है, अपने देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना है। टू प्रमोट ब्रदरहुड एंड एस्टैब्लिश डिग्निटी ऑफ वुमेन। भाईचारा बना के रखना है और वुमेन की डिग्निटी को बना के रखना है। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया का जो इतना रिच हेरिटेज है उसको हमें बचा के रखना, उसको हमें प्रिजर्व करना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट। जो हमारा प्राकृतिक इन्वायरमेंट है यानी वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण जो है उसको प्रोटेक्ट करना है और उसको इम्प्रूव करना है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। साइंटिफिक टेम्पर को हमें डेवलप करना है अपने अंदर, ह्यूमैनिज्म को, इंसानियत को, और इंक्वायरी की स्पिरिट को यानी कि जानने की जो इच्छा है उसको हमें डेवलप करना है अपने अंदर। नेक्स्ट है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि हम नहीं समझते हैं। थोड़ी भी कोई भी इशू आ जाता है तो हम क्या होता है, सड़कों पे निकल जाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी का वॉयलेशन है। जब भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो हम पहुँच जाते हैं कोर्ट के, हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हुआ है या हमारे फंडामेंटल राइट को दबाया गया है या हमें उसका अधिकार नहीं दिया गया है। पर कभी भी जब हम फंडामेंटल ड्यूटी को अपने तोड़ते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, तब हम नहीं सोचते कि हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटी से पीछे हट रहे हैं। तो इसके लिए तो कड़ा से कड़ा प्रावधान होना चाहिए कि जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हम सेफगार्ड अगर नहीं करें, उसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर हमें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, और जो कि मिलती भी है क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यूटी का वॉयलेशन है। टू स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जो भी हमारे इंडिविजुअल या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको निभाएं हर स्पेयर में। अब आता है हमारी लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी, जो 86th अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो 86th अमेंडमेंट था जो कि 2002 में हुआ था, उसमें ये फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी, विच इज़ इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज पेरेंट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन 6 and 14 ईयर्स ऑफ एज। तो जो हमारा आर्टिकल 21A था, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो फंडामेंटल राइट भी था कि बच्चों को, जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं, उनको एजुकेशन का राइट मिलना चाहिए, तो उसी तरीके से ही हमारी ड्यूटी भी है। इस तरीके की ड्यूटी क्या है कि हर एक भारत का नागरिक जो कि एक पेरेंट है, जो कि क्या है, एक पेरेंट है, उसको उसकी ये ड्यूटी है कि वो जो भी बच्चे हैं उसके, वो उनको राइट टू एजुकेशन जो है या अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन प्रोवाइड करें, यानी कि उनको पढ़ाई लिखाए। तो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाए, ये उसकी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।